हाय फ्रेंड्स, मैं हूं पावर। मेरे चैनल घर संसार में आपका स्वागत है। आज मैं आपको स्पंज केक बनाना बता रही हूं। अगर आपको मेरा ये वीडियो पसंद आता है, वीडियो को लाइक कीजिए, चैनल को सब्सक्राइब कीजिए और बेल आइकन को दबाना ना भूलें। मेरा ये केक बनाने की गंजी है, इसमें मैं कई बार केक बना चुकी हूं, इसके कारण ये इस टाइप से हो गई है। इसके अंदर सबसे पहले हम नमक डाल रहे हैं। नमक भी मेरा यूज करा हुआ नमक है। आप नमक को मतलब बन जाए, उसके नमक अच्छे से ठंडा हो जाए, उसके बाद इसे आप स्टोर करके रख दीजिए। जब भी आप केक बनाएं, कोई भी बेक करने वाली चीज़ें आपको बनाना है, इससे आप बना सकते हैं। इस तरह से मैंने इसे अच्छे से फैला दिया है। आज मैं आपको प्लेट से बता रही हूँ, मेरी पुरानी प्लेट ली मैंने। इसे भी आप इस तरह से थोड़ा सा दबा के और रख दीजिए। इस पर हमारा केक का जो टिन रहेगा वो ईजीली आ जाएगा। अगर आपके पास स्टैंड है, मेरे पास भी स्टैंड है, लेकिन मैं आज आपको प्लेट से ही बनाना बता रही हूँ। मैंने गैस चालू कर दिया, आप देख सकते हैं। गैस को बस आपको इतना ही रखना है, ज़्यादा तेज में अगर आप रखेंगे तो हमारा एकदम ज़्यादा गर्म हो जाएगा, तो केक हम रखेंगे तो हमारा एकदम केक ज़्यादा डार्क कलर का बन के तैयार होगा। बस इसे आप पूरा अच्छे से ढक दीजिए। इस तरह से मैं थाली ले रही हूँ, इसे उल्टा ढके ताकि हमारी थाली पूरी अच्छे से पैक हो सके। सबसे पहले मैंने एक गिलास लिया है, इसके अंदर एक कप ये दूध ले रही हूँ मैं। मेरा ये रूम टेम्परेचर पर दूध है, एक कप मैंने दूध लिया है। दूध के अंदर मैं एक नींबू का रस डाल रही हूँ। आप चाहे तो विनेगर डाल सकते हैं, एक चम्मच विनेगर डालिए या फिर एक नींबू का पूरा रस डाल दीजिए। नींबू आप मीडियम साइज का लीजिए। इस तरह से आपको इसमें पूरा रस डालना है इसका। नींबू का रस डालने के बाद इसे एक बार अच्छे से हिला दीजिए। हिला के इसे आप साइड में रख दीजिए। मैंने एक बड़े साइज का बर्तन लिया है, इसके अंदर आप 3 चम्मच घी डाल दीजिए। 3 चम्मच इसी के अंदर मैं तेल डाल रही हूँ, 2 चम्मच और ये 3 चम्मच। इसके अंदर मैं 100 ग्राम पीसी हुई शक्कर ले रही हूँ। इसके साथ में इसे आप अच्छे से मिक्स कर दीजिए। देख सकते हैं, घी और तेल के अंदर हमारी शक्कर एकदम अच्छे से मिक्स हो गई है। इसी के अंदर मैं 1 कप कंडेंस मिल्क ले रही हूँ, मेरा घर का बना हुआ है और मैंने इसे फ्रीज में रखा था, एकदम गाढ़ा हो गया ये। इसमें मैंने कंडेंस मिल्क डाल दिया है, इसे आप अच्छे से अब चला लीजिए। इस तरह से आप देख सकते हैं, एकदम पूरा एकदम मेरा सब चीज़ इसमें मिक्स हो चुकी है। इसे आप साइड में रख दीजिए। इसके अंदर मैं 1 कप मैदा ले रही हूँ। 1 कप के अलावा इसके अंदर मैं 2 चम्मच मैदा और डाल रही हूँ। 1/2 चम्मच इसके अंदर मैं बेकिंग सोडा डाल रही हूँ। 1 चम्मच इसके अंदर मैं बेकिंग पाउडर डाल रही हूँ। बेकिंग पाउडर हमेशा आप थोड़ा सा फ्रेश यूज़ कीजिए, मतलब 2-3 महीने का खोलने के बाद। अगर आपका डिब्बा पैक है तो आप इसे 6 महीने तक भी रखेंगे, उसके बाद अगर खोल के यूज़ करेंगे तो भी केक हमारा अच्छा बनेगा। इन सबको आप अच्छे से छान लीजिए। इसे मैं 3 बार छानूंगी, मैंने 1 बार छान लिया। इसी तरह से आप इसे 3 बार छान लीजिए। ये 3 बार छान चुका है, इसे आप साइड में रख लीजिए। इसे एक बार हम फिर से हिला देते हैं, थोड़ा सा अच्छे से मिक्स हो चुका है। आप देख सकते हैं कितना बढ़िया एकदम। इसके अंदर मैं 1 चम्मच एसेंस डाल रहा हूँ। आप चाहे तो अभी इस समय भी डाल सकते हैं, आप चाहे तो इसे आखिरी लास्ट में भी डाल सकते हैं। आप देख सकते हैं जो हमने दूध तैयार करके रखा था, इसमें मैंने नींबू का रस डाला था, ये एकदम इस तरह से फटने लगा है, गाढ़ा गाढ़ा सा होने लगा है। इसके अंदर हम थोड़ा थोड़ा करके डालेंगे इसे। देखिए इस तरह से मेरा ये फटने लगा है। बस इसके साथ में इसे आप मिक्स कर दीजिए। इसे मिक्स करने के बाद जो हमने मैदा तैयार करा था, इसके अंदर आप थोड़ा थोड़ा सा मैदा डालते जाइए। 3-3 चम्मच डाल रही हूँ मैं एक बार में, उसके बाद इसे मिक्स कर लूँगी। बस इसी प्रोसीजर से आप थोड़ा थोड़ा करके दोनों चीज़ों को डालते जाइए। इसके अंदर मैं पूरा दूध डाल रही हूँ। मैंने इसके अंदर दूध भी पूरा डाल दिया और मैदा भी मेरा पूरा डाल दिया है। मैंने 3 से 4 बार में थोड़ा थोड़ा करके इसे डाला था। इसके बाद इसे आप अच्छे से फेंट लीजिए, बिल्कुल हल्के हाथों से आपको फेंटना, ज़्यादा ताकत नहीं लगाना है। मेरा एकदम अच्छे से फिट चुका है। इस तरह से मैंने एक केक का टिन लिया है, इसके अंदर बटर पेपर लगा दिया है। आप पूरा इसके अंदर डाल दीजिए। आप देख सकते हैं मैंने किस कंसिस्टेंसी का रखा है इसे, एकदम ना ज़्यादा गाढ़ा रखा है मैंने इसे, ना ज़्यादा पतला करा है। आप देख सकते हैं मैंने इसे इस तरह से टिन में डाल दिया है। इसे आप इस तरह से थोड़ा सा टैप कर दीजिए ताकि जो भी इसमें एयर बबल्स रहेगी वो हमारी पूरी निकल जाएगी। आप देख सकते हैं इस तरह से इसमें गड्ढे जैसे होने लगे हैं कि इसके अंदर हवा आ जाती है। मैंने पूरा टैप कर दिया है। मेरा ये बर्तन भी एकदम प्री हीट हो चुका है।
इसके अंदर इसे आप बिल्कुल संभाल के डालिए, क्योंकि हमारा गर्म बहुत रहता है, एकदम गर्म हो चुका है। इसे आप अच्छे से ढक दीजिए। ढकते समय आपको थाली प्लेट जो भी यूज़ करें उसे आप उल्टा ढकिए, क्योंकि उल्टा ढकने से क्या पूरी हवा इसके अंदर ही अंदर अच्छे से रहेगी, तो हमारा केक एकदम बढ़िया बेक होगा। इसे अब हम 15 से 20 मिनट बाद एक बार चेक करेंगे। इसे करते हुए आधा घंटा हो चुका है, ये गर्म बहुत है। इसे आप कपड़े से पकड़ के ही हटाइए। आप देख सकते हैं कितना अच्छे एकदम केक फूला हमारा, कलर भी एकदम इसका लाइट आया, साइड से कॉर्नर से एकदम डार्क दिख रहे हैं। इसे एक बार हम चेक कर लेते हैं, बिल्कुल नीचे तक गड़ाइए। देखिए हमारा चाकू एकदम पूरा साफ आ रहा है, इस तरह से एकदम पूरा साफ आ रहा है। गैस को आप बंद कर दीजिए, इसे हम निकाल लेंगे बाहर, इसे ठंडा करने के लिए रख देंगे। केक एकदम अच्छे से ठंडा हो चुका है। इसके इस तरह से चाकू से आप साइड्स पूरे निकाल लीजिए। ये एक प्लेट ले रही हूँ मैं, इसके ऊपर रख रही हूँ। इसे इस तरह से आप पलट दीजिए, बस हल्का सी इसे हम टेप करेंगे। ये देखिए हमारा निकल चुका है केक, आप देख सकते हैं कितना बढ़िया कलर आया है इसका। इसका बटर पेपर भी इजीली निकल जाएगा, इस तरह से आप इसे निकालेंगे पूरा इजीली निकल जाएगा। मैंने इसके ऊपर से पूरा बटर पेपर जो था उसे निकाल दिया। आप देख सकते हैं कितना स्पंज केक में, इस तरह से मैं दबा रही हूँ। ये देखिए दबाने के बाद तुरंत वापस आ रहा है, एकदम व्हाइट कलर में बन के तैयार हुआ है मेरा ये। इसे मैं आपको काट के दिखाती हूँ। देख सकते हैं, ये देखिए इस तरह दबा रही हूँ, इसे छोड़ रही हूँ। कितना अच्छा इसमें एकदम बढ़िया स्पंज आया है। ये मेरा स्पंज केक है जो बनके तैयार हो चुका है। अगर आपको इसकी रेसिपी पसंद आती है तो मेरे इस वीडियो को लाइक जरूर कीजिएगा, प्लीज सब्सक्राइब करना ना भूलें। थैंक यू।